ठीक हो? बस ठीक ठाक सुनाओ। सब भरा भरा नहीं, तुम ठीक हो ना? हाँ हाँ। बाली रोटी के तो बताएंगे कि जो आज हॉकी क्लब की प्लेयर हूँ, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमें ड्रग्स से हमेशा दूर रहना चाहिए, तो इसी सिलसिले में आज पुलिस की तरफ से हमें ड्रग्स की तरफ से हमारी एक मतलब रेस, हमें रन फॉर फन के लिए हमको यहाँ पे सभी इकट्ठा हुए हैं। डिफरेंट स्पोर्ट्स के प्लेयर्स हैं यहाँ पे, डिफरेंट स्कूल्स के स्टूडेंट्स हैं। हम सभी यहाँ पे सबको यही मैसेज देना चाहते हैं कि से नो टू ड्रग्स, हमें हमेशा ड्रग्स से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये अगर एक बार इंसान की इसकी लत लग जाए तो इंसान इसमें बुरी तरह से मुबतला हो जाता है। इसीलिए हमें हमेशा इनसे दूर रहना चाहिए और हमें जो हमेशा स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रहना चाहिए। थैंक्स थैंक्स अ लॉट। प्रोग्राम इसके हवाले से बताएं पुलिस वालों ने ड्रग्स के बारे में प्रोग्राम रखा है, हर घर में ड्रग्स का यूज नहीं होना चाहिए, और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि पुलिस में लोग ड्रग्स करके हर जगह पूरे लैंड में पूरी दुनिया में ड्रग्स ही एक ऐसी चीज़ है जिससे सब कुछ की मतलब एक बार लेते हैं तो लग जाती है। तो हमें जितना हो सके इन चीज़ों को कम करना चाहिए, इसीलिए आज उन्होंने ड्रग्स के बारे में ये प्रोग्राम रखा है, तो हम उनका शुक्रिया करते हैं। थैंक यू। हमारी मांगे बिल्कुल जी, जैसे हम सब जानते हैं कि आज रन फॉर फन एक अवेयरनेस प्रोग्राम जो नशा मुक्त भारत अभियान के अंडर डिस्ट्रिक्ट पुलिस स्कूल करवा रहे हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है कि यूथ को ही इसमें एंगेज किया गया है। यूथ ही एक ब्रांड एम्बेसडर रहते हैं किसी भी मैसेज को सोसाइटी में ले जाने के लिए, तो इसी तरह के तहत ये आज यहाँ पे ये एक्टिविटी जो करवाई जा रही है, डिफरेंट चाहे वो बाकी गेम्स के टूर्नामेंट हो या अवेयरनेस प्रोग्राम्स हो, सेमिनार्स हो, डिबेट्स हो, तो सब इन सब चीज़ों का एक ही मकसद है कि हमारे सोसाइटी में जो ड्रग्स का अभी चलन चल रहा है, जो हमारी यूथ में इंडल्ज हो रही है, तो यूथ को अवेयर करना कि ड्रग्स है क्या, इस ड्रग्स के नुकसान क्या हो सकते हैं, या इसका जो फ्यूचर में इम्पैक्ट क्या है, उसी तरीके से ये सब प्रोग्राम यहाँ पर करवा रहे हैं। तो मैं थैंक्स करता हूँ डिस्ट्रिक्ट पुलिस कोच का, सरपंच का, कि उन्होंने ये इवेंट करवाए और हम लोगों को बीच में इन्वॉल्व किया, बच्चों को इन्वॉल्व किया, ताकि ये मैसेज जो है हमारी पूरी सोसाइटी में। ये जो आप रैली निकाल रहे हैं ना, ये आज ड्रग्स के लिए है, ठीक है? ये तमाम बच्चे और अपनी फोर्स ड्रग्स के बारे में हम यहाँ से जाएंगे, डीपीओ से लेकर अपनी लाइन पुलिस लाइन तक, वहाँ जाकर आपको पैक भी मिलेगा जिसमें कुछ फ्रूटी है, बिस्किट हैं, पहले बच्चों को दिए जाएंगे, उसके बाद आपको दिया जाएगा, ठीक है? इन डिसिप्लिन कोई भी आदमी नहीं करेगा, पहले ब्रिक्स चलेंगे, पैदल चलेंगे, दौड़ने की कोई लंबी चौड़ी जरूरत नहीं होगी, ठीक है? इसमें
भाई साहब को नहीं आते? हाँ, वेरी गुड, शाबाश। सब तो बेहतर है, पहला बीच थोड़ा जा दर्शन वास्ते भाई जी ये भड़का लगे मां ओ सा स्लोगन दो ना वे भड़के लगे Thank you.
खिलासो बड़ा जी बप्पी वाला वास्ता ला बोले यार रैली निकाल लीजिए ड्रग्स के लेके, इसके हवाले से आप क्या कहें? तो सर ये बता, आप हमारे चैनल के माध्यम से जो सिविल सोसाइटी को जो ड्रग्स के उनको किस तरह का मैसेज देंगे जो मुफ्त जगह पर? उसको पुलिस के पास आना चाहिए, हमारे पास ड्रग भी एडिक्शन सेंटर्स हैं, वहाँ पे हम उनका इलाज जो है वो कर सकते हैं। सिविल सोसाइटी को, पेरेंट्स को, इन सबको आगे आना होगा। आज भी हमने जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, सिविल सोसाइटी, एनजीओ, हम सब ने मिलकर जो है ये अवेयरनेस प्रोग्राम करना है। थैंक यू सर। टी शर्ट बहुत वाले और बीच उसने चंदी नहीं होना मसला सर। दियो ना दियो, रोज ये सामने आख मिनट जैसा कि आप देख सकते हो ये छोटा बच्चा दो दो दो
बताएंगे कि जो आज यहाँ पुलिस की तरफ से एक रैली लगी, इसके हवाले से बताएंगे ड्रग्स को लेकर। देखिए, पूरे जम्मू कश्मीर यूटी गवर्नमेंट ने जो है एक प्रण लिया है कि जो नशा मुक्त भारत अभियान है उसके तहत में बहुत सारी रैलीज, बहुत सारे प्रोग्राम, बहुत सारे टूर्नामेंट्स करवाए जा रहे हैं। उसी कड़ी में आज रन एंड फन जो है डिस्ट्रिक्ट पुलिस पूंछ की तरफ से ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है, जिसमें डिफरेंट जो कोचिंग क्लासेस हैं स्पोर्ट्स की वो यहाँ पर तशरीफ लाए हैं, तमाम बच्चे लाए हैं, कोचेज लाए हैं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट पुलिस के चीफ के जो जवान हैं वो भी इस रैली का हिस्सा बनने जा रहे हैं। मकसद इन तमाम चीज़ों के पीछे एक ही है कि नशा को जो है जड़ से उखेड़ना है, अपने डिस्ट्रिक्ट से, अपनी स्टेट से, अपने मुल्क से। मैं SSP पुंछ और उनकी पूरी टीम को जो है मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि एक बड़ा बेहतरीन कदम उन्होंने जो है यहाँ पर किया है। और भी जितने भी लोग हैं उनको भी इन प्रोग्राम्स में हिस्सा लेना चाहिए, और ख़ास करके जितनी भी ज़्यादा अवेयरनेस की जाए वो ज़रूरी है इसमें समाज में, क्योंकि आपने देखा होगा ड्रग्स का कितना चलन है पिछले दिनों, जैसे आप मीडिया में देख रहे हैं या जितनी रिकवरी हो रही है बॉर्डर्स के ऊपर, तो ये कहीं ना कहीं हमारी आने वाली नस्ल के लिए एक तबाहकुन मसला बन जाएगा। तो हम एक बार फिर अपनी पूरी कोचिंग क्लासेस की तरफ से जो है SSP पुंछ और उनकी पूरी टीम को जो है मुबारकबाद देना चाहते हैं कि एक अच्छा स्टेप उन्होंने उठाया, जैसे वॉलीबॉल का टूर्नामेंट करवा रहे हैं, क्रिकेट का करवा रहे हैं, हॉकी का करवा रहे हैं, वहीं उसी कड़ी में जो है आज रन एंड फन हो रहा है। तो एक बार फिर हम मुबारकबाद देना चाहते हैं।